अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक तवायफ ने दादा से लेकर पोते तक दोनों के शासन काल में राज किया और वो भी नेक्स्ट लेवल वाला राज, यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, पर ये सच है। और ये कारनामा कहीं और नहीं बल्कि मुगल साम्राज्य में ही हुआ, इसका एंड मिस मत करना। तो चलिए आरंभ करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुमसुम हिस्ट्री पर। वो तवायफ कोई और नहीं बल्कि लाल कुंवर थी। दिल्ली का लाल बंगला इन्हीं का मकबरा है। अब इनके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक जानते हैं। इनका जन्म 18 मार्च 1691 को लालाजी नगर दिल्ली में हुआ था। इनके पिता खासूसियत खान थे, जो कि अकबर के दरबारी तानसेन के वंशज थे। लाल कुंवर महल में आने से पहले टोपियां सिलकर और कुरान की आयतें लिखकर अपना गुजर करती थी। लाल कुंवर पर पहले लट्टू हुआ कट्टरवादी मुगल शासक औरंगजेब। औरंगजेब भी औरतों के मामले में अपने पुरखों पर ही गया था, बस फर्क इतना था कि उस हद तक नहीं गया था कि उसे बेहद अय्याश का नाम दे। लाल कुंवर महल में नाचती गाती थी, पर औरंगजेब उस पर इस कदर लट्टू हुआ कि उसे सारे हक दे डाले। लाल कुंवर का इतना रुतबा था कि दरबारी कार्यों में भी दखल देती थी। जो फैसला उसे पसंद नहीं आता था उसे बदलवा देती थी। लाल कुंवर का रुतबा औरंगजेब की सगी बेटियों को भी पसंद नहीं आता था, क्योंकि जब वो कहीं जाती थी तो उसके बगही के आगे पीछे सैनिकों की एक खास टुकड़ी चलती थी। उसके आने की जानकारी नगाड़े बजाकर दी जाती थी, और यही नहीं उसके लिए रास्ते भी खाली करवाए जाते थे। औरंगजेब के बाद उसके बेटे आजम शाह और बहादुर शाह के पास सिर्फ 5 सालों तक ही सत्ता रही। उसके बाद बहादुर शाह का बेटा और औरंगजेब का पोता जहांगदार शाह 51 साल की उम्र में बादशाह बना। मुगल वंश का सबसे अय्याश राजा यही था। जब इसने लाल कुंवर को पहली बार देखा तो उसे गोद में उठा लिया, मानो जैसे उसे उसकी महबूबा मिल गई हो। दोनों का प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि उसने लाल कुंवर से निकाह कर लिया और उसे इम्तियाज महल का नाम दे दिया। जहांगदार शाह ने न सिर्फ लाल कुंवर को बेगम बनाया बल्कि भोग विलास और सत्ता का हर सुख दिया। जहांगदार शाह के शासन काल में लाल कुंवर और भी ताकतवर महिला हो गई थी। उसने अपने परिवार वालों को दरबार में ऊंचा ओहदा दिलवा रखा था। वो जो कहती थी बादशाह वही करते थे। एक बार तो लाल कुंवर के कहने पर उसने अपने बेटे को ही कैद करवा दिया था। धीरे धीरे मुगल खजाना खाली हो रहा था। जहांगदार शाह और लाल कुंवर दोनों शौकीन थे। दोनों हमेशा शराब के नशे में डूबे रहते थे। दोनों अक्सर नशे की हालत में बैलगाड़ी से आगरा बाजार घूमते थे। एक बार तो दोनों शराब की नशे में धूत बाजार घूमकर जब बैलगाड़ी महल पहुंची तो लाल कुंवर निकली और बिस्तर पर जाके सो गई। पर जहांगदार शाह का कहीं कोई पता नहीं था। जब सुबह इम्तियाज महल को सेवकों ने जगाया तो उन्होंने पूरा महल सिर पर उठा लिया। उन्हें लगा कि रात को बादशाह उनके साथ ही सोए थे। हालांकि बादशाह बैलगाड़ी के भीतर बेहोश हाल में मिले। जहांगदार शाह को युद्ध कौशल और राजकाज का काम सीखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब जो राजा ऐसा हो उस राज्य की तो लुटिया डूबना ही है। वही हुआ। 1713 में जहांगदार शाह भतीजे फरुख सियर से हार गए। जहांगदार शाह और लाल कुंवर दोनों को सलीमगढ़ में कैद कर दिया गया। वहीं पर 11 फरवरी 1713 को बादशाह फरुख सियर के आदेश पर जहांगदार शाह की हत्या कर दी गई और लाल कुंवर को बीते दिन सुहागपुरा में बिताने पर मजबूर किया गया, जहां विधवाएं रहती थी। वहीं पर 17 जून 1759 को उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं काउंटिंग की। औरंगजेब का शासन काल 1657 से 1707। लाल कुंवर का जन्म हुआ था 1691 में, तब औरंगजेब 73 साल का था। औरंगजेब के बेटे का शासन काल 1707 से 1712, तब लाल कुंवर की उम्र 16 साल थी। जहांगदार शाह का शासन काल 1712 से 1713, ठीक से एक साल भी नहीं। वह 51 साल की उम्र में गद्दी पर बैठा। उस समय लाल कुंवर 21 साल की थी। 22 साल में विधवा हो गई और 68 साल में मृत्यु हो गई। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।